नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु चिन्मयी प्रथमे हेडलाइंस। क्राइमब्रांच एसटीएफ कब्जारे बाघछाल शिकारी 4 लाख डिल बेले जणे शिकारी और सहयोगी गिरफ। नयागढ़ अंचल दुई जन को धरला क्राइमब्रांच एसटीएफ। गुड फ्राइडे बीएमसी गाइडलाइन सर्वसाधारण में एकाठी पर्व पालन मना। सर्वाधिक 50 जन को नहीं चर्च में पालन होगा उत्सव। दुईदिनिया ओडिशा गस्तरे आसुछंती उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। दिन 11:15 रे भुवनेश्वर विमान बंदर रे पहुंचबे। ट्विन सिटी रे व्यापक सुरक्षा व्यवस्था। आज कटक सारला भवन जीवार कार्यक्रम। पुलवामा रे सुरक्षाकर्मी आतंकवादी गुली विनिमय। जड़े आतंकवादी निहत। दुई जन लुचि रही सन्देह। काकापुरा अंचल रे सर्च ऑपरेशन बेले गुली विनिमय। मयूरभंज उदला नागपाल कप्तिपदार कयां खुंटे चढ़ाऊ। 40 लाख टंकार गंजे जबत। गंजे माफिया गिरफ। लक्षाधिक टंका सुनालंकर समेत एक दामी कार जबत। बालेश्वर सोर में भयावह अग्निकाण्ड। नदीगारे विलंबित राति में लगला निया। जलीगला 14 बखरा घर। लक्षाधिक टंकार संपत्ति पुड़ी पाउंस। निया को आयत कला अग्निशम बाहन। बौद्धरे अघटन। रास्ता उपरे जलीगला कार। ड्राइवर फेरार। मनमुंडा थाना अंतर्गत कपासरा छक जलुवा अवस्था कार ठाव गंजे सन्देह। निया लगभग कारण अस्पष्ट। नयागढ़ में पथर माफिया आतंक। ओडगा थाना गिरिडीपल्ली अंचल वृद्धों आक्रमण। गुरुतर अवस्था हस्पिटाल भर्ती। निज चाष जमी पाखे बेआईन पथर ब्लास्टिंग और खणि लुट नहीं तहसीलदार को करते अभियोग। आज राज्य में कमिपे ताति। कालबैशाखी आशंका थी कमिब ग्रीष्म प्रवाह। आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र सूचना। 3 दिन है राज्य में जारी रही हिटवेव। एथर संपूर्ण खबर। पुणी क्राइमब्रांच एसटीएफ कब्जे बाघचाल शिकारी 4 लाख डिल बेले जड़े शिकारी और सहयोगी गिरफ। नयागढ़ अंचल दुई जन को धरला क्राइमब्रांच एसटीएफ। गोटे कलरापतरिया बाघचाल जबत होता सूचना रही। गुड फ्राइडे को दृष्टि में रखी भुवनेश्वर महानगर निगम पक्ष जारी होई स्वतंत्र निर्देशनामा। गुड फ्राइडे पालन पर सर्वसाधारण स्थान में गहली नक गाइडलाइन करपरी चर्च परिसर में एका समय सर्वाधिक 50 जन को धार्मिक परंपरा पालन अनुमति दि जाएगी। तेज एथपाय सामाजिक दूरता और कोविड नियम पालन करने निर्देश दि जाएगी। पर्व पालन समय चर्च परिसर में समस्ते मास्क परिधान करने नहीं चर्च कर्तृपक्ष निश्चित करेंगे। चर्च परिसर में हाथ धोवा व्यवस्था किंवा हैंड सानिटाइजर रखा व्यवस्था करेंगे चर्च कर्तृपक्ष। तेज कोविड लक्षण या व्यक्ति 65 वर्ष अधिक वयस्क व्यक्ति और 10 वर्ष कम पिला गुड फ्राइडे पालन विरत रखा कहा। आज दुईदिनिया ओडिशा गस्तर आसुछंती उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। हैदराबाद स्वतंत्र विमान जोगे बाहरी दिन 11:20 रे भुवनेश्वर विमान बंदर रे पहुंचिबे। सेठारु उपराष्ट्रपति राजभवन को जिबार कार्यक्रम रही। अपराह 4:45 रे कटक विजु पटनायक छक स्थित सारला भवन में पहुंचार कार्यक्रम रही। सेठारे सारला दास 600तम जन्म जयंती में जोगदेवार कार्यक्रम रही। राजभवन को फेरी रात्रि जापन करेंगे उपराष्ट्रपति। 3:10 उत्कल विश्वविद्यालय 50तम समापर्तन उत्सव में जोगदेवे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। तेज संपर्कित अधिक सूचना आम सहित फोन लाइन में जोड़ी होती आम प्रतिनिधि प्रदीप्त महापात्र। प्रदीप्त दुईदिनिया गस्तर ओडिशा गस्तर अच्छा उपराष्ट्रपति कौन सब वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था को बंदोबस्त कर
निश्चित भाव आपन जो कथा कहले आज दुई दिनिया उत्साह गस्तर आसी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सहित विशेष भाव में आदि प्रथम पचारे सुरक्षा व्यवस्था कथा तेज सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी कर रिहर्सल किपर भाव उपराष्ट्रपति सुरक्षित भाव राजभवन निजी राजभवन तेज जो कार्यक्रम रही से गुड़िकमी जोग देवे से विभिन्न सुरक्षा को आहरी मानने त्वरान्वित कर विशेष भाव देखा राजभवन और राजभवन से जेहेतु कटक जी से कार्यक्रम रही उत्कल विश्वविद्यालय कार्यक्रम रही तेणु तमाम उभय कटक भुवनेश्वर कटक से जेहेतु जो बाय रोड जी से सुरक्षा व्यवस्था करशेष भाव में आम जो नजर पकड़ा कल जहाँ डीसीपी सूचना देते 40 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन कर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्षमा कर उपराष्ट्रपति सुरक्षा पर सहित 130 जन वरिष्ठ पुलिस अफिसर को दायित्व दि जाएगी विशेष भाव में एएसएल सिक्यूरीटी विंग और स्पेशल टेक्निकल यूनिट उपराष्ट्रपति सुरक्षा पर नियोजित हे और सहित आम जब कार्यक्रम उपर नजर पकड़ा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति आज पूर्वाह्न 11:15 अर्थात आउ कि समय अपेक्षा उपराष्ट्रपति ओडिशा अवतरण करेंगे विमान स्वतंत्र विमान अवतरण कर अंतर्जातीय विमान बंदर भुवनेश्वर में रही अवतरण करेंगे सीधा सड़क से बाहरी राजभवन जी और राजभवन में मध्यान भोजन कार्यक्रम रही परवर्त समय से किसी समय विश्राम नापर अपराह्न 4:45 राजभवन रु बाहरी सड़क पथे कटक विजु पट्टनायक कटक विजु पट्टनायक छक स्थित सारा भवन को जी से सारा दास 600तम जन्म उत्सव से जोगदे 5:30 रु 6:30 पर्यंत सारा भवन से रे परवर्त समय सारा साहित्य संसद रहा 40तम वार्षिक समारोह रही से उपस्थित रहेंगे परवर्त समय से संध्या 6:30 सारा भवन रु बाहरी 7:05 राजभवन में पहुंची से रात्रि जापन करेंगे आसंता काल कार्यक्रम कथा जी आम देखा आसंता काल उत्कल विश्वविद्यालय 50तम समावर्तन उत्सव में जोगदेवार कार्यक्रम रही पूर्वाह्न 10:10 राजभवन रु बाहरी विश्वविद्यालय अभिमुखे जी उपराष्ट्रपति 10:20 कैंपस पहुंचा सह पूर्वाह्न 10:30 रु 11:30 पर्यंत उत्कल विश्वविद्यालय रही है जो मैंने भी ये ग्रेजुएट हे से जो मेडल देवा सहित से संबोधित करेंगे उपराष्ट्रपति राजभवन को फेरी आसवे सेठारू अपराह्न 5:00 पुणि थे नुआ दिल्ली फेरी जी तेणु उपराष्ट्रपति कार्यक्रम पर सुरक्षा व्यवस्था ठार आरंभ कर सहित आ गोटे मुख्य कथा जो मैंने भी उपराष्ट्रपति कार्यक्रम में जोग देवे समस्त कोविड टेस्ट करपरी भाव जेहेतु बर्तमान कोविड संक्रमण द्रुत गति में देश में वृद्धि पाई ओडिशा में अधिक संक्रमण देखा तेणु का दृष्टि रखिकी समस्त कोविड टेस्ट करेगेटिव रिपोर्ट आसने ही उपराष्ट्रपति कार्यक्रम ओडिशा गस्तरे तांको गस्त को देखी वर्तमान समस्त प्रस्तुति सरी सब सुरक्षा व्यवस्था को मध्य कड़ाकड़ी करा जाइछि। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप्त आपनकर समस्त सूचना पाई। घर को फेरबे सूचना अधिकार कर्मी सर्वेश्वर बेउरिया स्वागत करिबे धर्मशालावासी सेपटे बीजेपी घेरिब धर्मशाला थाना। गत 27 तारीख में बोमा माड़े गुरुतर हो कटक अश्विनी हस्पिटाल चिकित्सित होता सर्वेश्वर बेउरा आज सुस्थ हो निज घर को फेरुंट तेज सर्वेश्वर घर को फेरवा कथ जा धर्मशाला जनसाधारण स्वागत करने चंडीखोल ठारूँ एक बैक राध्यम बासभवन निकट में आनी छाड़े तेज घटना को आज 7 दिन पूरीवाक धर्मशाला पुलिस हाथ सुन अपराधी को धरवा तो दूर कथा वर्तमान पर्यंत परिवार पक्षर दि जाइए एफआईआर मध्य रुजु कला पुलिस तबे एही घटना को नहीं जाजपुर बीजेपी पक्षर एक राली कराजिबा सह धर्मशाला थाना को घेराव कराजिबो। घर को आज फेरुंट सूचना अधिकार कर्मी सर्वेश्वर बेउरिया स्वागत करेंगे धर्मशालावासी बीजेपी सेपटे आज
धर्मशाला थाना घेराव करिवो बोली सूचना रहुछि। तबे गत 27 तारीख रे बोमा माडरे गुरुतर होई कटक अश्विनी हॉस्पिटल रे चिकित्सित होतिले सर्वेश्वर बेउरा आजि से सुस्थ होई घरकु फेरुछन्ते। सर्वेश्वरक घरकु फेरिबा कथा जानि धर्मशाला रो जनसाधारण तांकु स्वागत करबा पई एक बाइक रैली रो आयोजन करिछन्ती एवं ए बाइक रैली चंडीकोल ठारु तांको बासभवन पर्यंत रहइबो। घटनाकु 7 दिन पुरिथिबा बेले धर्मशाला पुलिस रो हात खाली। कोटिपति गंजेई माफिया गिरफ। माफिया निकटरु जबत होईछि लक्षाधिक टंकार गंजेई। जनबसतिरे 2 वर्ष हेब करि चलिथिला गंजेई कारबार। एभळि किछि घटना एबे स्थानीय अंचलरे चर्चार विषय पलटिछि। विशेष सूत्ररु खबर पाई स्पेशल स्क्वाड सहित पुलिस मिलित भाबे चढ़ाव करि गंजेई माफियाकु गिरफ करिछि। बाबु रुहन्ती आलिसान बंगलारे हेले गंजेई रखन्ती भंगा ददरा घर भितरे। केवल निज घरे नुहे उदळारे मध्य से एक घर नै सेठारे रही गंजेई कारबार करुथिले। गिरफ गंजेई माफिया जणक हेले कप्तिपदा थाना कयाखुटा गाँवर शरत नायक। स्पेशल स्क्वाड एवं पुलिस गतकाली रातिरे गंजेई माफिया शरतर बासभवन कयाखुटा चढ़ाव करथिबा बळे सेठारु 1 क्विंटल गंजेई सहित लक्षाधिक टंका सुना अलंकार मध्य जबत करछि। नयागढ़ पुणि पथर माफियांक आतंक। नयागढ़ ओडंगा थाना गिरिडीपल्ली अंचल में पथर माफियांक आक्रमण में गुरुतर होती वृद्ध। निज चाषजमी पाखे बेआईन पथर ब्लास्टिंग खणि लुट नहीं तहसीलदार को सूचना देवर एथर प्रतिशोध परायण हो गिरिडीपल्ली गांवर कविचंद्र नायक को से ही गांवर किसी पथर माफिया आक्रमण कर सूचना मिली। तेज गुरुतर अवस्था प्रथम ओडंगा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करवस्था सांघातिक होवर नयागढ़ मुख्य चिकित्सा स्थानातरित करपटे एने आक्रमण शिकार होता वृद्ध परिवार पक्ष ओडंगा थाना लिखित अभियोग समस्त अभियुक्त एवं सुधा फेरार रही सूचना मिली। आज्ञा आम गाँव रही लोक पथर ब्लास्टिंग कर सरकार जगह पहाड़ में किसी लोक बांछा दी चंड आने से बेआईन भाव पथर ब्लास्टिंग कर रास्ता घाट सब भांगी गुंड कर बण जंगल जेसीबी लगे गछपतर नि लगे पोड़ी मुझे आम जमी अच्छी तो मुझे कम करी आते कहले तू कही आर आई तहसीलदार को कहकि मत खंडा टांगिया खाती भुजाली ठेंगारे चार तीन चार जन हो आक्रमण कले आपर मत बाड़े पकईदे मुझे सेनस देवापर पलैसली गाई जला गाँव में खबर देवापर गाँव रू लोक मैंने आसिक मत 108 आंबुलांस ओडगा ने ओडगा नयागढ़ मत पठे जे पथर माफिया आक्रमण में मोर शशुर जे कविचंद्र नायक बहुत गभीर भाव क्षत हो से माने इनफर्मेसन मैंने देखते बोली से पथर मानने गवर्नमेंट लैंड रु पथर ब्लास्टिंग कर चोरार बिक्री कर तहसिलदार आर आई चढ़ाऊ करते से फाइन भी आदा होता से ही जिनसटा आम शशुर कही कविचंद्र नायक कही इनफर्मेसन आम मानते फाइन पड़ी बोली से ही आक्रोशर शिकार आज होती गत काली। पूरी मौसीमा मंदिर चोरी। मंदिर ताला भांगी दुर्वृत्त मैंने मंदिर दानपाक्स आलमीरू लुटि नहीं दान अर्थ मूल्यवान वस्त्र पूजकों एतला आधार में कुंभारपड़ा थाना पुलिस तदंत आरंभ करपटे गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव यह चोरी घटना को नहीं चिंता प्रकट करने श्रीक्षेत्र समस्त धर्मानुष्ठानगुड़िकर सुरक्षापाई परामर्श देते अंपटे खुबशीघ्र दुर्वृत्त धरजी पुरी एसपी के विशाल सिंह पदारे पड़ा पुरी पुलिस निष्क्रियता सक्रिय लुटेरा एवं अपराधी किद ते बांकी मुहाण माँ रामचंडी मंदिर दुर्वृत्त मैंने कलाकना बुलाइवा बेले गत काली पुरी सहर संवेदनशील जनगहली अंचल मौसीमा मंदिर चोरी बुधवार विलंबित राति मंदिर मुख्य द्वार अन्य दुईट द्वार ताला भांगी लुटि नहीं दान अर्थ और माँ मूल्यवान वस्त्र बड़दाण्डर एक प्रमुख अंचल बड़गंडी निकटे मंदिर एभली चोरी पुलिस चैलेंज सृष्टि कर पूजकों कहवा अनुसार राति में माँ का पहुड़ सारी से जीवापर सका मंदिर खोलवाई जावाबू एभली चोरी होता जानवाक पाई एने कुंभारपड़ा थाना एतला दायर हो काली रात नीति संपादन करला पक सब जाइलु रात 10 खंडे बेले करूँ ताला गुड़िक सब प्राय गडरेजर ताला मैं सब भल ताला गुड़िक सका आम 6 बेल को खबर पाई आस देखा बेलू सब ताला गुड़िक स्वतंत्र मेसीन मध्यम कटा जा सबू ताला गुड़िक कटा जा मेन गेट सेकेंड गेट दीटा गेट्र ताला को कटा जा
ଏବଂ ହୁଣ୍ଡିରେ ତିନିଟା ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା। ହୁଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ତିନିଟା ତାଲାକୁ ସେହିଭଳିଆ ଭାବରେ ଅନୁରୂପ ଭାବେ କଟାଯାଇଛି। ହୁଣ୍ଡିରେ ପ୍ରାୟ 5-10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଗଣିନି, ଯଦିଓ 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଥିଲା। ହୁଣ୍ଡିର ସବୁ ତ ଟଙ୍କା ପଳେଇଛି ଏବଂ ଆଲମିରା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆମର ଭିତରେ ଥିଲା ସେ ଆଲମିରାକୁ ଖୋଲି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଶାବଳରେ ତାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଆଲମିରାଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ବଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ଆଲମିରା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଥିଲା, ସେ ସବୁ କଢ଼ାକଢ଼ି କରି ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ମାଆଙ୍କର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ, କାହିଁକି ନା ଏସବୁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରୁ ଏସବୁ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼ୁ, ଚୋରି ଚାରି କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗଉଛନ୍ତି, କିଛି ଆଉ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ପୋଲିସ ତଥାପି ତ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଚୋରମାନଙ୍କର ଆଡ଼ା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ଏମିତି ଚୋରି ଯାଇଛି, ହୁଣ୍ଡିରୁ ଟଙ୍କା ସବୁ ଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଭଲ ଭଲ ପାଟ ଯାଇଛି। ଖାଲି ଭାଇନା କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ତାଙ୍କ ଗହଣା ଗେଣ୍ଡି ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ବୋଲି, ନହେଲେ ଏଇନି ମାଆଙ୍କର ଯାଇଥିଲେ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ଟିକେ ମାଆ ଲଗେଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ, ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଯାହା ହଉ ସେଇ ତକ ଠାକୁର ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ତକ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯାଇଛି। କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତନାଘନା। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରୁ ଚୋରି ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ କିଛି ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ଫୁଟେଜ୍କୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଫରେନ୍ସିକ୍ ବିଭାଗ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ତଦନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର କରିଛି ପୋଲିସ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରାଯିବ ବୋଲି ପୁରୀ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା ସହ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଧର୍ମପୀଠଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ କେସ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ଟପ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆହେଇଛି, ଆମର ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ଗଠନ ହେଇଛି, ଅର୍ ଆମେ ହୋପ୍ଫୁଲ୍ ଅଛୁ କି ଶୀଘ୍ର ଆମେ କେସ୍ର ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରିବୁ। ଆଜି ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେବ, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଡାଇନାମିକ୍ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେବ, ତାର ଆମେ ଏବେ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛୁ। ଆଗରୁ ବି ରିଭ୍ୟୁ କରାହେଇଛି, ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଆମର ଅଫିସର ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଆମେ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରିବୁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଧର୍ମପୀଠ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରୁ ଚୋରି ପୋଲିସ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଜି ଘରକୁ ଫେରିବେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ। ସେ ଗତ 27 ତାରିଖରେ ବୋମା ମାଡ଼ରେ ଗୁରୁତର ହୋଇ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ, ତେବେ ଆଜି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସେ ଘରକୁ ଫେରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳାବାସୀ। ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିବା କଥା ଜାଣି ଧର୍ମଶାଳାର ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲଠାରୁ ଏକ ବାଇକ୍ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ନିକଟରେ ଆଣି ଛାଡ଼ିବେ। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ଆଜିକୁ 7 ଦିନ ପୂରିଥିବା ବେଳେ ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି, ଏମିତିକି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏଫ୍ଆଇଆର୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରିନାହିଁ ପୋଲିସ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ। ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳାବାସୀ ସେମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବାଇକ୍ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ, କ'ଣ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଯେଉଁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାସଭବନ ଠାରେ, ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବାସଭବନ। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଘଟଣାକୁ ପାଖାପାଖି 7 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହାତ ଶୂନ କରିକି ବସିଛି। ତେବେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରା ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଘରକୁ ଫେରିବା କଥା ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଧର୍ମଶାଳାବାସୀ ନିଜ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାଳାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର ରହିଛି ସେଠିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବାର ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଯିଏ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରା ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ କଟକଠାରେ ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ ସେଠାରୁ ସେ ବାହାରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯାଜପୁର ଚଣ୍ଡିଖୋଲଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଅଣାଯିବ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେହେତୁ ଘଟଣାକୁ ପାଖାପାଖି 7 ଦିନ ଆଜି ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବା ଯିଏ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେଉରାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରହିଛନ୍ତି ରୁନୁ ବେଉରା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି
जो बीजेपी पक्षर मध्य थाना घेराव रो कार्यक्रम रही बीजेपी पक्षर थाना धर्मशाला थाना घेराव करा जिवो एवं कहा को गिरफ करी धर्मशाला पुलिस एवं कहीं एफआईआर रखनी से नहीं कि प्रश्न रखिब कारण सबुठ बड़ कथा हेउची धर्मशाला अंचल रे जेतेबेले सर्वेश्वर बेउरा प्रत्येक घटना उपर नजर रखुले एवं जेकोनोसी अनैतिक कार्य कथा कहतु दुर्नीति कथा कहतु ताकू पर्दाफाश करुथले एवं अनेक समय रे जेहेतु से जने आरटीआई एक्टिविस्ट थिले एवं सूचना अधिकार जो तथ्य रही तथ्य सूचना अधिकार तथ्य बल अनेक घटना को से सामना को आणुथले सेतिपाई तांकू जो आक्रोशमूलक भावे बोमा पका जाइथिला बोमा पकाई कि जो जीवन नु मारिदे प्रचेषा करा जाइथिला ताकू विरोध करी आज धर्मशाला जो रही बीजेपी पक्षर जाजपुर बीजेपी पक्षर धर्मशाला थाना घेराव करा सबुठ बड़ कथा हूँ जितेबाला सर्वेश्वर बेउरा घरे पहुँचे और आगामी कार्यक्रम कौन से ने कारण जेहेतु बर्तमान सुधा पुलिस पर पक्षर दि जाइया एफआईआर को ग्रहण करना चिन्मय परमेश्वर वर्तमान सुधा किसी सूचना आसी पहुंचुची कि केतेबेले से कटक रु बाहर आतेबाला जा बासभवन में पहुंचे नहीं किसी सूचना आसुची कि देखो वर्तमान आम पाखे जहाँ सूचना रही पाखापाखि 9:30 to 10 मध्य से जो घर हस्पिटा ट्रिटमेंट होते चिकित्सित होते अश्विनी हस्पिटा सेठार से बाहर कार्यक्रम थी से पाखापाखि बाहरी सारे वर्तमान से जहाँ आम पाखे खबर रही रास्तार अच्छा किसी समय भितर चंडीखोल ठार आसिक पहुँचे और सेठ जो धर्मशालावासी रही स्वागत करके बासभवन को आने कारण धर्मशालावासी जानते गोटे लोक जी की सर्वेश्वर बेउरा अनेक समय दुर्नीतिर अनेक गुमर खोली से मामू भणुजा घाई कथा हो डंकारी पहाड़ लुट कथा हो कला पथर लुट हो अथा अबा जो एबे जो आम निकट में देखी जो एक्सप्लोसिव रही जो विस्फोरक सामग्री रही पाखापाखि 50 lakh विस्फोरक सामग्री जितेबाला जबत होता तार अनेक सूचना से गणमाध्यम पाख रखी किपर प्रकार धर्मशाला अंचल में विभिन्न लुटपाट होती पर्दाफाश करते लगे धर्मशालावासी आज स्वागत करुँच प्रकृत पक्षे जदि लड़े जारी रहे धर्मशालू अनेक दुर्नीति जो रही पर्दाफाश हो पार परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर समस्त सूचना शुणुते परमेश्वर बेउरिया जे कि आम जाजपुर प्रतिनिधि आमको सर्वेश्वर बेउरिया आ कि समय पर जे रही सूचना अधिकार कर्मी आ कि समय पर बासभवन में पहुंचे से कटक घर हस्पिटाल चिकित्सित होते 27 तारीख में बोमामाड़ कर सर्वेश्वर बेउरिया अनेक समय जो सब दुर्नीतिग्रस्त कार्यकलाप नहीं मुह खोली था सतगुड़ी सामना को आनी था जहाँफल आक्रोश्र शिकार होगा पड़ी कि सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथ हो विरोध में से अभोग आणुंट पर लोके एफआईआर रुजू करने चाहते वर्तमान सुधा पुलिस एफआईआर रुजु करना जहाँ को लेकिन बड़ प्रश्नवाची सृष्टि हो घटना को नहीं जाजपुर बीजेपी पक्षर एक राली धर्मशाला थाना को घेराव करा सूचना दे परवर्त खबर को एक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी पहुंचुची जे भाउज को हत्या करी दियर घटनाटी घटी कटक शिखरपुर अंचल एवं घटनास्थल में पुलिस साइंटिफिक टीम पहुंची तदंत आरंभ कर जमी बाड़ी को केन्द्र कर हत्याकांड होता सन्देह कर भाउज को हत्या करी दियर जमी बाड़ी केन्द्र कर हत्या करा संदेह करा कटक शिखरपुर अंचल हत्याकांड घटी घटनास्थल में पुलिस और साइंटिफिक टीम पहुंची तदंत आरंभ कर समय सर बुलेटिन को ये रखुछ नमस्कार।